वो तो कैसे कैसे हम सब क्यों लेजिट प्रोटेक्टर और मैं आ चाहता शेयर करने लाग नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड आज की इस वीडियो का मेरा बहुत धांधली प्लान है, एंड वो प्लान ये है कि आज की इस वीडियो में हमें जाना है डायमंड्स ढूंढने। या यू हैड इट राइट, आज की इस वीडियो में हम डायमंड ढूंढने जा रहे हैं। मुझे पता है तुम लोग कह रहे हो कि तू कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर, मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो भैया जल्दबाजी है, जल्दी एंडर ड्रैगन को बीट करना है हमको। एंड सबसे पहले यार मैं दोबारा इसे कम कर देता हूँ, पूरी ही वॉल्यूम कम हो गई। तो आज की वीडियो में मुझे डायमंड्स ढूंढने जाना है। एंड सबसे पहले जो है तो मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ डायमंड कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो मैंने थोड़ी रिसर्च करी है, मुझे रिसर्च से इतना पता चला है कि 13, 12 और 11 ये तीन ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर डायमंड्स मिलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। एंड ऐसे तुक्केबाजी करनी पड़ेगी, स्ट्रिप माइनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके जो है थोड़ा लग सकता है कि हाँ डायमंड्स मिले। क्योंकि यार सही बता रहा हूँ, ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं है कब कैसे कहाँ क्यों मिलेंगे। तो अगर तुम मेरे चैनल पर और तुम्हें ऐसे ही माइनक्राफ्ट रिलेटेड कॉन्टेंट पर इंटरेस्ट है तो चैनल को भी कभी जाकर सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दो ताकि मेरे जो कहने वीडियो तुम पहले इस वीडियो में बहुत बड़ा वाला था जो तुम्हें मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो। एंड लेट्स जंप इनटू आवर एक्चुअल वीडियो। तो मुझे देखने तो सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। रॉ आयरन की नहीं पड़ेगी, वाटर बकेट ले लो, स्टोन शवल क्या पता तो कैसे पड़ जाए, आयरन इनगट एंड नोई एरो की भी ज़रूरत नहीं, हो की भी ज़रूरत नहीं है, खाना ले लो इसकी भी ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। एंड मुझे काफ़ी सारी पिकैक्स लगने वाली हैं तो मेरे पास स्टिक नहीं है राइट। प्लैंक्स पड़े हुए हैं, स्टिक्स बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। एंड अब उनसे क्या बनाने हैं, कोबलस्टोन एक दो तीन, एंड बाकी का मैं यूज़ करूँगा थोड़ी सी टॉर्चेस बनाने के लिए। नाइस। तो देखो अब मैं जो है कह सकता हूँ कि यस आई एम रेडी। तो भाई अब चलते हैं फिर, और क्या, मैं थोड़ा और खाना लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भाई ऐसे अंदर से ना धक धक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिट सकते हैं। और खाना ले लो जस्ट इन केस। एंड स्टिक्स मैं अपने पास नहीं रखना चाहूँगा, स्टोन की एक्स भी रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास आयरन की एक्स है तो ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके तो चलो भाई चलते हैं। स्टोन सब शवल ले लो। ओके लेट्स गो बॉयज। तो मैं 2x2 बनाना शुरू करूँगा। क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट के बहुत बड़े वाले रूल यानी कि डिग डाउन स्ट्रेट उस वाले रूल को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्की है। ओके पापा। ऊ ला ला, अबे नहीं नहीं इसे इसे आयरन की पे कैसे माइन करो। नाइस, वी हैव गॉट गोल्ड बॉयज। गोल्ड का खैर इतना कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है कि काम होगा मेरे लिए। नहीं भाई गोल्ड का एक्चुअली में काम होगा नेदराइट बनाने के लिए। ओ नाइस, अब स्क्रीनशॉट की ले रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट थर्टीन, नाइस,
अब हम आ चुके हैं भाई, बहुत नीचे आ चुके हैं, हम लिटरली बता रहा हूँ। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिगिंग स्ट्रेट, आगे बढ़ते रहना हमको। हाँ दैट इज़ द सीन, नाइस। ठीक है भाई चलो, और क्या, मैं सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है। एंड मेरी एक पिकैक्स तो ऐसी चली गई, वेट कितनी पिकैक्स बची है मेरे पास। ओके फाइन 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 फाइन, चलो भाई चलते रहते हैं और क्या। A few moments later. ओ तेरी की, shit, diamonds मिल गया guys, finally, holy Jesus Christ, ओ भाई, कितने diamond मिले, oh diamond, are you comedy me, भाई this is reckless. एक सेकेंड मुझे सब टाइटल्स ऑन करने दो, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस ही है ना, वीडियो सेटिंग्स, अरे सब टाइटल्स हाँ ऑन, ब्लॉग ब्रेकिंग इधर से, ओके ये चमोला कहाँ गया मैं, शिट, ओ भाई ये क्या है, ये भी आयरन ही है बट थोड़ा डिफरेंट है एंड टूटने में भी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओके ये बहुत ही अलग ही मल्टीवर्स में आ गए हम, अंडरस्टैंडेबल। ओके चलो चलते हैं ऊपर भाई, लेते रहो आयरन, आयरन तो भाई दुनिया भर का कलेक्ट करना है। हाँ तो जी कौन है फालतू की बकवास करने वाला, जीसस क्राइस्ट, ओ बेटे रेड स्टोन भी मिल गया, क्या बात क्या बात क्या बात। नाइस भाई रेड स्टोन से तो कितने लेवल मिलते हैं यार, मजा ही आ गया। अभी 8 डायमंड मिले हैं जिसके हिसाब से मेरी पिकैक्स तो बन जाएगी एंड मेरा थोड़ा बहुत सूट बूट भी बन जाएगा। नाइस, ओ भाई भाई भाई, भाई। ओ वाह वाह, एक सेकंड, बैकअप, रुक जाओ, मुझे इससे ढंग से फाइट लेनी पड़ेगी, कहाँ है, ओके ब्रिंग इट ऑन बॉय, नाइस ये तो गया, आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ, चलो फटो, ओबे बे बे बे,
Okay, nice. Pretty safe. काफ़ी हद तक जिंदा है हम. नाइस. अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, बट कोई नहीं, खैर जीत गए. ओके, आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग यू गाइस. ओ भाई, ओके. अब सबसे पहले टॉर्चेस, रोशनी से भर दो इस जगह को. ओके, आई हैव फिनिश्ड विद टॉर्चेस. फाइन. ओ डैम, व्हाट एन एपिक बैटल. नाइस. अब थोड़ा लूट लेते हैं इस जगह को, यू नो. एंड ओके, मेरी शील्ड भी ख़त्म हो रही है. इतनी बढ़िया शील्ड है यार, मतलब ऐसे वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते. इसका भी थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा. मेरी स्टोन पिकैक्स निकाल लो ना, मैं फालतू में ये क्यों वेस्ट कर रहा हूँ. अब मुझे दोबारा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा फिर. ऊपर से फिर आओ, फिर नीचे जाओ. भाई बहुत रिसोर्सेस लग जाते हैं यार. भाई सोचो, जितने अमाउंट में मुझे कॉपर, आयरन ये सब मिल रहा है, अगर उतने. ओ बेटे, ओ नाइस. भाई जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो देखो भाई, पार्टी चल रही है बहुत भयंकर. अब फटाक देने से ऊपर चल लो, क्योंकि मेरे पास अब रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है. मेरे टॉर्चेस भी देखो. चलो फटो. और कोई तो नहीं आ रहा. नाइस, अब सीधा ऊपर. मैं इस जगह पर दोबारा आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सेकेंड. यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे भाई डायमंड मिले. मजाक हो रहा है. अगर यहाँ पर डायमंड मिले तो देन देर आर मोर चांसेस कि हाँ और मिल सकते हैं. One eternity later. ये क्या हो गया भाई. ऊपर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैंने वाटर लिफ्ट खोल दी. तो यहाँ से ऊपर जाना तो एक अच्छा आइडिया नहीं होगा. वो क्या हो रहा है. वेट व्हाट. यहाँ से तो फिर मैं ऊपर नहीं जा सकता, मुझे कहीं और से. वो ये क्या हो रहा है. फिर मुझे यहाँ कहीं से ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर मेरी वो वाली टनल कहाँ गई जहाँ से मैं आया था. और डोंट टेल मी दैट आई एम लॉस्ट. वो यहीं कहीं होनी चाहिए जहाँ तक है. ये रही. आ, वेट.
ऊपर यहाँ मैं काम करता हूँ, वाटर बकेट लगा लेता हूँ। इतने वीडियो तो भाई साहब हमने भी ले रखे हैं भाई, क्या समझ रहे हो तुम अपने भाई को। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई तुम प्रो स्किल्स। ठीक है अब सबसे पहले ओ भाई रिजनरेट कर लो, बहुत भयंकर फाइट हुई है नीचे। सबसे पहले जितना भी अभी सामान आया सब भर दो अभी। ठीक है अब मुझे देखने दो, सबसे पहले मुझे क्या बनानी है, मुझे बनानी है एक शील्ड। तो आयरन लकड़ी कहाँ है, लकड़ी ये रही, और आयरन इनगट। तो मैं बना लेता हूँ एक डायमंड पिकैक्स एंड एक डायमंड हेलमेट। नाइस, कवर मी विद डायमंड्स, व्हाट सही है, सब के सब यूटिलाइज हो गए, आई लाइक इट। अब मुझे बनानी है एक शील्ड, तो शील्ड अच्छा इनफ नहीं है प्लैंक्स, तो और प्लैंक्स कहाँ से लूँ, और प्लैंक्स आई नहीं मेरे पास, नहीं है ना, या नहीं है यहाँ पर भी नहीं है। नाइस, लकड़ियों की कमी हो गई है मेरे पास। और ओ वाओ मेरे मैंने अपने उस जनरेटर में लगाया भी नहीं है वो पेड़ वेड़। अरे यार हद है। ओके मुझे देखने दो, मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ ऊपर एक मैं यहाँ से टेम्पररीली यहाँ से लकड़ियाँ ले लेता हूँ। मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं फार्मर के, इनके यहाँ से लेनी पड़ी लकड़ियाँ। भाई जज मत करियो, कुछ दिन बाद लौट आ दूँगा, अभी अर्जेंट है। ठीक है मिल गई लकड़ियाँ, चलो 40 शील्ड बन गई। अब इस वाली शील्ड को निकाल लो, बिकॉज यू नो ये वाली शील्ड बढ़िया लगती है भाई। व्हाट एक नॉर्मल शील्ड ही बनेगी हैं भाई, स्कैम। नाइस, नाउ वी हैव अ नॉर्मल शील्ड, बहुत सही। ठीक है वो छोड़ो, ये वो रख दो, कॉपर भी रख दो, प्लैंक्स भी रख दो, रॉटन फ्लैश भी रख दो। मुझे जिसकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय वो है ये। भाई इतनी सारी स्टिक्स ऑलरेडी पड़ी हैं भाई, एक ज़रूरत से ज़्यादा ही बना रहा हूँ मैं वैसे देखा जाए तो। ओके आई गेस वी आर रेडी अगेन। एंड अब मैं आयरन हेलमेट को निकाल के डायमंड का हेलमेट पहन लेता हूँ। नॉइस, +3 देता है, +2 देता है, आर्मर टफनेस भी बढ़ा देता है। ओके सही है, नाउ वी आर रेडी टू गो बैक। ब्रेड खा लेते हैं थोड़ी सी, आई हैव टॉर्चेस, वी आर रेडी टू गो। फुल स्पीड में जाना है, ठीक है
ओ सही है यार, मैंने तो वाटर लिफ्ट बना दी एक तरीके से। नाइस, फुल स्पीड में जाओ, फुल स्पीड में आओ। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर सम यू नो अनदर डिस्कवरीज। मुस्टंडे स्पॉन हो गए होंगे जहाँ तक है। अच्छा नहीं हुए, क्या बात है। रोशनी से भर दो जगह सबसे पहले तो। चलो अब यहाँ कोई मॉब स्पॉन नहीं होगा एटलीस्ट। नाइस, हैं नीचे भी जगह है। रहने दो, मुझे नहीं डिस्कवर करनी, बहुत हो गया मेरा। ऐसे भी ले लो भाई, बस एक टाइम मिले डायमंड, फिर से भाई मिल नहीं रहे हम। आयरन भाई, जितनी खुशी डायमंड को देखकर नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा खुशी तो आयरन को देखकर हो रही है, न जाने क्यों। भाई कॉपर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इतना कॉपर आ गया भाई मैं दुकान खोल सकता हूँ। और इतनी नीचे डर्ट क्या कर रहा है भाई, दिस डजंट मेक एनी सेंस। चलो भाई डॉट भी मिल, ये आयरन भी मिल रहे हैं भाई, गोल्ड भी मिल रहे हैं, सही है। अब नेदर में जब बैशन में जाएंगे तब काम आएगा ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर मिल गया। बट वेट अ मिनट, तुम्हें नहीं लगता हम अपने मेन मोटिव से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं? हमारा मेन मोटिव ये बकवास चीज़ें इकट्ठा करना नहीं था, हमारा मोटिव था क्या, डायमंड्स। सो यप, वी आर डिस्ट्रैक्टेड। गलती कर दी यार, गलती कर दी। चलो भाई लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड जब तक डायमंड्स नहीं मिल जाता है, क्योंकि भाई डायमंड्स तो चाहिए। टनल एक साइड से बहुत हो गई, अब मैं दूसरी साइड से खोदने की सोच रहा हूँ। It's gonna take some time, but let's hope that it was worth it. 2 hours later. Okay, तो मैंने अब इसी direction में जो है खोदना चालू किया था, and यहाँ पर मुझे basically मतलब ये बाद में चल के वहीं पर open हो गया, ठीक है? ये देख रहे हो तुम? ये बाद में चल के यहीं पर open हो गया। तो देखा जाए तो टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं रहा यहाँ पे खोदने का, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से खोदना शुरू करूँ। टाइम लगने वाला है बाबू मोशा है, बहुत टाइम लगने वाला है। डायमंड को स्ट्रिप माइनिंग से ढूंढना है ना यार, अलग ही लेवल का सिर दर्द है, सही बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है यार इसमें। ओ तेरी की, नाइस, क्या बात। 3, 4, 5, ओ भाई लैपिस भी मिल गया, क्या बात है भाई, क्या बात है। जब मेरा लक हो तो ऐसा, नाइस, आई लाइक इट। और लैपिस दे दो,
अब तो भाई दबा कर एन्चेंटिंग हो गई, क्या बात कर रहे हो। ओके तो मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता, मैं जो हूँ यहीं पर अब वीडियो को एंड करना समझूँगा। पहले अब मैं वापस जो है अपने घर चले जाता हूँ, एंड ये जो सारा सामान मिला ना ऐसे मैं तसल्ली से ज़रा रख देता हूँ, ठीक है। अरे रे 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 कितना भाई कितना टाइम। अबे बे 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 बे। फुल स्पीड में ऊपर चलना है हमको। ओ भाई क्या बात, पहले तो रात से दिन करो। नाइस, अब मुझे देखने को करना क्या क्या है, कितना रॉ सामान है हमारे पास। ओ भाई बहुत कॉपर है। अच्छा ये रॉ कॉपर है भाई, ये वैसा वाला कॉपर नहीं, ऐसे स्मेल्ट करना पड़ेगा। अरे धत तेरे की। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ऐसे स्मेल्टिंग पे लगाते हैं भाई। डायमंड मिल गया आज, सही में बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है प्रोग्रेस हुई आज। ठीक है, अब मैं जो हूँ इस वाले में रख दो, इस वाले में रख दो गोल्ड, इसमें भी रख दो गोल्ड, इसमें रख दो आयरन, इसमें भी रख दो आयरन, और यहाँ पर भी आयरन है। और तो रॉ सामान और कहीं नहीं है भाई, इतना रॉ कॉपर है। मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना इतने रॉ कॉपर की मुझे कोई ज़रूरत है भी या फिर नहीं। अब कोल लेकर आ जाओ दुनिया भर का भाई, कितने कट्टे भर के कोल हैं भाई मेरे पास तो। अच्छा दो स्टैक ही हैं, मैं कह रहा हूँ भाई कितने हैं। ओके बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट चलो काम चला ही देते हैं। इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, ये बन रहा अपना मस्त। नाइस, अब चलो देखते हैं भाई क्या क्या होता है। बट अभी मैं इसका जो है बूट्स बना लो। नाइस भाई, मैं तो भाई कतई चमक रहा हूँ एकदम, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा अब तो। ओके सो आई सपोज अब वीडियो को यहीं पर एंड करना सही रहेगा, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई आज तो, बहुत सिर दर्द कर रहा है मेरा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो होप श्योर तुम लोगों को पसंद है। अगर तुम चैनल पर नो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाला बेल आइकन दो ताकि मेरे जो भी कहने तुम सबसे पहले देखो। इस वीडियो पे बहुत बड़ा वाला समझ रहा हूँ, मोटिवेशन मिलती है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, एंड मैं तुम लोग से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।